हाई प्रिंट आज वीडियो में बात करने वाला हूँ त्रिनिदाद टिटेन ब्लास्ट के आज के नौवे मुकाबले की, जो होने वाला है BLD वर्सेस CCL के बीच में शुरू होगा। इस मैच का आपको डिटेल देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंदर देखते रहे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर देना है ताकि हमारी वीडियो के नोटिस आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाना है क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट ऑफ फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जहाँ पर आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर भी ऊपर पिन के पर मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट जाके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो मैच की टाइम की बात कर लेते हैं तो आज यहां पर रात के 9:30 पर मैच शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम यहां पर थोड़ा गड़बड़ा सकता है, यानी बारिश से संभावना थोड़ी बन सकती है। वेन्यू की बात करें तो सेम ग्राउंड पर मैच होगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंसर पे से एवरेज स्कोर यहां पर 80 से 100 के बीच में बनने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते टोटल अब तक 8 मैच कंप्लीट हो चुके हैं। एक मैच जीता वेटिंग पेस्ट करने वाली टीम ने, 3 मैच में चेज हुआ है, 2 मैच यहां पर नॉट रिजल्ट रहे हैं। तो यहां पर पहले बात करें BLD की टीम की, तो लास्ट मैच ये जीत के आ रही है। लास्ट मैच ओपनिंग की थी तेसान कास्त्रो ने और डीएन विलियम्स ने। कास्त्रो की बात कर ले तो यहां पर आप देख सकते लास्ट मैच में 20 किए थे, टीटेन के 10 मैच खेल के आ रहे हैं, 182 रन है, 0 विकेट हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, मौका दे सकते हो क्योंकि नरेशन बम काफी अच्छा है, 6-17, 5 और 39, 1 विकेट अच्छा है, तो मौका दे सकते हो। यहां से डेनियल विलियम्स की तरफ, लास्ट मैच में ना 21 रन की पारी खेली थी, टीटेन के 10 मैच खेला था, 147 रन है, 18 का एवरेज है। रिसेंट बम 41-9, 13-44 और 0 है। यहाँ से आ जाए शहजाद अली की तरफ, लास्ट मैच में ना 29 रन की अच्छी पारी खेली थी, टीटेन की बात करें तो 10 मैच में 81 रन है, 13 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 4-37, 39-70 और 53 है। यहाँ से आ जाते हैं एरवंट निकोलसन की तरफ, लास्ट मैच में ना 21 नॉट आउट की अच्छी पारी खेली थी, अच्छा प्लेयर है, टीटेन के 8 मैच खेल चुका है, 140 रन है, 23 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 25-21, 33-0 और 8 है, अच्छा है रिकॉर्ड, बंदे को आप पिक कर सकते हो। यहाँ से आया ब्रेंडन रामदयाल की तरफ, लास्ट मैच में ना 0 किए थे, टीटेन की बात करें तो 9 मैच में 102 रन है, 12 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म में 0, 9 बैटिंग और 10 है, अच्छा है नहीं, मौका नहीं देना। यहाँ से आया रियाद अमृत की तरफ, लास्ट मैच में ना 2 ओवर डाल के कन्फर्म 1 विकेट निकाला था, डेथ में बॉलिंग करने आएगा। टीटेन की बात करें तो 34 मैच में 97 रन है, 33 विकेट हैं, यानी आप देख सकते हो बैटिंग खास अच्छी है नहीं पर बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, मौका दे देना है। यहाँ से आ जाए सेनल गैब्रियल की तरफ, लास्ट मैच में ना विकेट ले रहा था बंदा, कन्फर्म 2 ओवर डाले थे, डेथ में बॉलिंग की थी, फिर विकेट ले रहा था, T20 खेल के आ रहे हैं, 39 मैच में 32 विकेट हैं। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 2 विकेट हैं। यहाँ से आया राकेश सिंह सचिन की तरफ, लास्ट मैच में ना 1 विकेट निकाल लिया था, कन्फर्म 2 ओवर डाल के डोमेस्टिक T20 के 6 मैच खेला था, 6 मैच में 6 विकेट इनके नाम है। यहाँ से आया स्टीफन सोलोमन की तरफ, लास्ट मैच में ना कन्फर्म 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाल लिया था, डेथ में बॉलिंग करने आएगा। T20 की बात करें तो 2 मैच में 3 विकेट हैं। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और यहाँ पर 1 विकेट और 2 विकेट, अच्छा है, मौका आप दे सकते हो क्योंकि काफ़ी खिलाड़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ से आ जाता है एस रूप नारायण की तरफ, लास्ट मैच में ना देख सकते हो 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था, डोमेस्टिक T20 खेल चुका है, 2 मैच में 3 विकेट हैं। रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट और 0 विकेट। यहाँ से आया क्रिस्टोफर की तरफ, देख सकते हो लास्ट मैच में ना 9 बैटिंग रहा था, T20 खेल के आ रहे हैं, 5 मैच में 3 विकेट हैं। रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट है। बेंच में इसको खेलेगा उनके जो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, स्टार्टिंग ओवर डालने आ जाएंगे एस आर अमृत, एस गब्रियल और एस सुलेमान। डेथ को डालने आ जाएंगे आर इमरत, एस सुलेमान, एस गब्रियल, जो डेथ में आता है मैं आपके लिए मन देने वाला हूँ। लास्ट में ना विकेट की पॉइंट आपको अच्छी दे देंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी टीम CCL की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर लास्ट मैच ये जीत के आ रही है। लास्ट मैच ओपनिंग की थी सेफ कपूर ने और आमिर जंगू ने। कपूर की बात करें तो लास्ट मैच में 28 रन की अच्छी पारी खेली थी, T10 के 1 मैच खेला था, 41 रन है, क्लब T20 के 4 मैच खेला था, 139 रन है। रिसेंट फॉर्म में 108-0, 5-26 और 35 है, अच्छा रिकॉर्ड है, मौका दे सकते हो। यहाँ से आमिर जंगू की तरफ, लास्ट मैच में 8 रन की पारी खेला था, T10 के 15 मैच खेला था, 427 रन है, 32 का एवरेज है। क्लब T20 के 4 मैच खेला था, 143 रन है, 27 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म में 2-112, 12-18 और 1 है, अच्छा रिकॉर्ड रहा है बंदे का, आपको मौका दे देना है। यहाँ से आया जेरम सोलोजोना की तरफ, लास्ट मैच में ना कन्फर्म देख सकते हो आप यहाँ पर 9 नॉट आउट रहा था बंदा, ODD के 6 मैच खेला था, 205 रन है, 21 का एवरेज है। क्लब T20 के 3 मैच खेला था, डिड नॉट पे रहा था, तो यहाँ पर मैं इसे ड्रॉप करूँगा। यहाँ से आया जॉर्डन वार्नर की तरफ, देख सकते हो लास्ट मैच में फ्लॉप रहा था, T10 के 9 मैच खेला था, 108 रन है, 18 का एवरेज है। क्लब T20 के 2 मैच खेला था, 2 रन है। रिसेंट वो में 11-5, 1-2 और
नौ बैटिंग। यहाँ से आ जाते हैं सलीम कपूर की तरफ। लास्ट मैच में ना दो रन बनाए थे एफसी के, दो मैच खेला था, 11 रन है तीन का एवरेज है। डोमेस्टिक टी20 के एक मैच खेला था, 8 रन है। यहाँ से आ जाते हैं सियोन हैकेट की तरफ। लास्ट मैच में देख सकते हो आप, यहाँ पर ना विकेट लेस रहा था, पर देख सकते हो 28 नॉट आउट रहा था, रन के अच्छे पॉइंट दे दिए थे, कन्फर्म दो ओवर डाले थे डेथ में बॉलिंग की, तो फिर भी विकेट लेस रहा था। पर बंदा ना आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से अच्छे पॉइंट देने वाला है। ये टी10 के नौ मैच खेला था, 23 रन है, नौ विकेट हैं। क्लब टी20 के नौ मैच खेला था, 100, यहाँ पर देख सकते हो 100 रन है, 9 विकेट हैं। अच्छा रिकॉर्ड है, बंदे का मौका दे सकते हो। यहाँ से आया सेरोन लुइस की तरफ। लास्ट मैच में ना देख सकते हो दो डाल के एक विकेट निकाला था। टी10 के 10 मैच खेला था, 5 विकेट हैं रिसेंट फॉर्म में, एक विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट हैं। यहाँ से आया आमिर अली की तरफ। डोमेस्टिक टी20 के दो मैच खेला था, 0 विकेट हैं रिसेंट फॉर्म में, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट। लास्ट मैच में दो डाल के एक विकेट निकाल लिया था। अच्छा रिकॉर्ड है, बंदे का मौका दे सकते हो। यहाँ से क्यों ईसाई की तरफ। लास्ट मैच में कमाल कर दिया था बंदे ने, देख सकते हो यहाँ पर दो डाल के 3 विकेट निकाले थे डेथ में बॉलिंग करने आएगा। क्लब टी20 के 6 मैच खेला था, 11 विकेट इनके नाम है रिसेंट फॉर्म में, 8 एक विकेट, 9 बैटिंग, 9 बैटिंग, 1 विकेट और 1 विकेट। अच्छा रिकॉर्ड रहा है बंदे का, आप मौका दे सकते हो। यहाँ से आ जाते हैं अविनाश महावीर सिंह की तरफ। लास्ट मैच 9 बैटिंग रहा था, ओडीडी के 5 मैच खेला था, 11 विकेट हैं, 110 रन है रिसेंट फॉर्म, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट है। अच्छा है बंदे का रिकॉर्ड, मौका दे सकते हैं। यहाँ से आ जाते हैं जैन बेर की तरफ। देख सकते हो कन्फर्म दो डाल के 2 विकेट निकाले थे डेथ में बॉलिंग की थी। ओडी के 6 मैच खेला था, 13 रन है, 11 विकेट है। अच्छा रिकॉर्ड रहा है बंदे का, आप मौका दे सकते हो। बेंच में कोई खेलेगा उनके लिए आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओडाल आ जाएंगे एस लुइस के इसाक, और डेथ के ओडाल आ जाएंगे के इसाक, जे बेरियर और एस हैकर। जो डेथ में आता है मसाब के लिए मैं ड्रेने वाला है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ विकेट के पॉइंट आपको अच्छे डेथ में दे देगा। तो वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट, चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारी वीडियो के नोटिस आपको मैं सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट उस पैनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जहाँ पर आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर भी पिन के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में यहाँ पर अपने विकेट कीपर सेक्शन से करने वाला हूँ ए जंगू को, और यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से करने वाला हूँ एस कपूर को और ए निस क्लोसन को, और यहाँ पर करने वाला हूँ ऑलराउंडर सेक्शन से देख सकते हो आप टी कास्टरो को, आर शिवचरण को और के इसाक को, और यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से करने वाला हूँ आर इमरित को, एस हैकट को, ए अली को, और यहाँ पर एस सुलेमान को और जे फिलिप्स को, और यहाँ पर मैं अपना कैप्टन करने वाला हूँ के इसाक को, और वाइस कैप्टन करने वाला हूँ एस सिमरन को। और यहाँ पर ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपका टोटल प्लेइंग 11 जो भी कुछ चेंजेस होगा वो टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। सिर्फ ये मेरी डेमो टीम है, और कुछ चेंजेस नहीं होगा तो आप इस टीम से भी खेल सकते हो, क्योंकि मैंने ये टीम भी काफी स्टेट्स देखने के बाद में बनाई है, और अच्छा है अगर आप कॉपी नहीं करो। मैंने अर्कलाइड के स्टेट्स आपको अच्छे से बताए हैं, दिखाए हैं, तो आप उस हिसाब से टीम अच्छी बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और एक पैसा से कमेंट कर देना है। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।